500 और 1000 के नोटबंदी के बाद जहां पूरे देश में हाहाकार मचा है, वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि सरकार नोट बदलवाने की मियाद घटा सकती है। न्यूज 18, जी न्यूज समेत कई चैनल्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पैसा बदलवाने की मियाद घटाकर 24 नवंबर कर सकती है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो देश में कोहराम मचा देने वाली है। आपको बता दें कि 8 नवंबर को पीएम मोदी ने अपने पहले टीवी संबोधन में 500 और 1000 के पुराने नोटों के चलन पर रोक लगा दी थी और इसे काले धन के खिलाफ उठाया गया एक बड़ा कदम बताया था। पीएम ने देश की जनता को आश्वासन दिया था कि 50 दिनों में सब ठीक हो जाएगा और उन्होंने जनता से सहयोग भी मांगा था, लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद हालात लगातार खराब होते दिखे। पैसा बदलवाने के लिए एटीएम और बैंकों में लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोगों को अपना ही पैसा लेने के लिए भूखे प्यासे लाइन में लगना पड़ रहा है और ऐसे में अगर सरकार पुराने नोट बदलवाने की मियाद घटाती है तो सोचिए क्या होगा, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर विपक्ष तक सभी सरकार के इस फैसले से खफा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कह दिया कि जिस तरह से इसे लागू किया गया है उससे सड़क पर दंगे की नौबत आ जाएगी, जबकि कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे जल्दबाजी में उठाया गया फैसला बताया है। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। फिलहाल लोगों की परेशानी पहले से ही ज्यादा है। खबरों के मुताबिक अब तो लोगों के घरों का राशन भी खत्म होता जा रहा है। देखते रहिए डीपी लाइव।